पाँच दिन के भीतर दूसरी बार PFI पर जांच एजेंसियों की सर्जिकल स्ट्राइक। जब लोग गहरी नींद में थे, NIA से लेकर राज्यों की पुलिस एक्शन में थी। दिल्ली से गुजरात तक, यूपी से MP तक, असम से कर्नाटक तक NIA के ठिकानों पर जोरदार प्रहार हुआ। PFI के टेरर कनेक्शन पर पुख्ता सबूत मिलने पर शहर शहर से संदिग्ध उठाए गए। इन छापों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या PFI पर बैन की तैयारी है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक PFI की हर एक गतिविधि पर जांच एजेंसियों की नजर है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में 106 जगहों पर NIA ने छापा मारा था। 5 दिन बाद आज फिर छापेमारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि PFI को बैन करने की तैयारी तेज है। आने वाले दिनों में इस संगठन को बैन किया जा सकता है। कई राज्य सरकारें पहले ही PFI को बैन करने की मांग कर चुकी हैं, इसलिए केंद्र को फैसला लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। PFI आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। सवाल उठ रहा है कि आखिर PFI को बैन करने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल हाल ही कई मामलों में PFI की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। इसकी जांच NIA कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी। इसमें PFI का रोल सामने आया था। NIA ने हाल ही में रेड भी की थी। तेलंगाना निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर PFI हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। NIA इस मामले में भी छापा मार चुका है। कर्नाटक के प्रवीण नेत्रू हत्या मामले में PFI कनेक्शन सामने आया था, जिसमें NIA जांच कर रही है। हिजाब विवाद और हाल के हुए प्रदर्शन के दौरान PFI के फंडिंग के रोल पर भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, जिसमें PFI से जुड़े आरोपियों के यहाँ से आपत्तिजनक सामग्रियां, साहित्य, CD मिले थे, जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। 15 राज्यों में PFI पिछले कई महीनों से सक्रिय है। जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें एक बात बहुत साफ है, PFI जो है वो ISI की प्रॉक्सी बन गई है और अलकायदा की परछाई। और आज की तारीख में जिस तरह से मुल्क में बिखराव, टकराव पैदा करने, उन्माद फैला करने, देश के सौहार्द को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशों में उससे जुड़े हुए लोगों का हाथ दिखाई पड़ रहा है, ना वो मुल्क के हित में है, ना तो मजहब के हित में है और ना मानवता के हित में है। ये लोग जो है वो मुल्क, मजहब और मानवता के दुश्मन हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। PFI पर ISIS से संबंध और टेरर कनेक्शन से लेकर धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप लगते रहे हैं। देश में CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनों में उकसाने का आरोप भी PFI पर है। ताजा छापेमारी से साफ है, बड़े फैसले से पहले जांच एजेंसियां और सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।